अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स सब्जी की बिरयानी, कह लें पुलाव कह लें, ठीक है, वेजिटेबल पुलाव बनाने जा रही हूँ मैं। मिक्स वेजिटेबल है तो मैं इसको बिरयानी स्टाइल में बना रही हूँ, पर मैं तेल नहीं लगाऊंगी, तेल जो है वो तेल के बगैर बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ क्या क्या चाहिए, फिर बाकी जो जो होगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। गाइस ये देखिए अभी तक फ्रेश है, आप यकीन जाने एक हफ्ता हो गया है इस धनिया पुदीने को आए हुए, अब वैसे का वैसा है। और आज इसे मैं तोड़ने लगी हूँ क्योंकि मुझे इसमें डालना होगा। तो ये हमने पुदीना ले लिया, ये हमने प्याज ले ली एक बड़ी फुल साइज़ की थी ये प्याज, ये ले ली एक अदद फुल साइज़ टमाटर ले लिया, ये इसमें मैंने आलू गोभी मटर और इसी के कहते गाजर ये ले लिए हैं, इसलिए मुझे चाहिए होगी हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल, और बाकी मैं आपको सब दिखाती रहती हूँ मुझे कैसे क्या डालना है, तो आप साथ साथ रहेंगे मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको मसाले नहीं दिखाए थे और अब मैं आपको मसाले दिखाने लगी हूँ। ये ज़ीरा है, गर्म मसाला आप देख लें, तेज़पात नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये पिसी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, ये आपने थोड़ा थोड़ा सा लेना है, बाकी आप जो आपके पास घर में अक्सर बच जाते हैं ना बिरयानी मसाले, अब वो डाल लें, ठीक है, तो आपकी बिरयानी हो जाएगी। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें डालने लगे हैं प्याज। मैंने प्याज डाल दी है इसमें, इसको मुझे लाइट गोल्डन करना है, जब तक ये इसकी गोल्डन होती है गोल्डन करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गाइस ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ये देखें लाइट पिंकिश हो गई है, ये देखें हल्की हल्की गोल्डन होने लग गई है। तो अगर मैं गोश्त की बना रही होती तो मैं फुल गोल्डन करती, मगर ये मैं इस टाइम पर बना रही हूँ वेजिटेबल की, तो इसको गोल्डन करने की फुल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस स्टेज पे आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो मसाले, ठीक है। जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। राइट, आपके पास आलू बुखारा इसे क्या कहते हैं बचा हुआ मसाला हो, बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, तो आप वो भी ऐड करें तो उससे इसका जायका बहुत अच्छा खुल के आएगा। तो बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना। तो ये गाइस ये देखिए, ये बिल्कुल हमें इसको वो नहीं करना है कि प्याज ना दिखे, ये ना दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो, और फिर थोड़ी देर के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको वेजिटेबल डाल के। गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत सी वेजिटेबल्स लग रही हैं, इनको मिक्स करना है अच्छी तरह, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना हमारी गोभी जो है वो पूरी आएगी, तो हमें इसे खिला खिला ही रखना, ठीक है। देखें आप कितनी खूबसूरत सी लग रही है गोभी, अब इस स्टेज में हम इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन रख देंगे ताकि हल्की भाप में गल जाए, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी पानी, यानी जितना आपने चावल लिया है उससे डबल आपको पानी डालना है, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप मैंने इसमें पानी डाल दिया, सही है। अब हमें इसे कुछ नहीं करना, इस स्टेज पे आप नमक मेरा ज़रूर चेक कर लें, अगर आपको नमक की कमी लग रही है तो आप और बढ़ा लें। गाइस पानी पक रहा है, अब इस स्टेज पे हम चावल डाल दें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा इनका वो एक कलरफुल से राइस है। प्लीज़ आप इसको टोटा में मत बनाइएगा, इसको अपने अच्छे चावलों में ही बनाइएगा, तो इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये, और इस स्टेज पे अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने ले लिया था पुदीना थोड़ा सा, ये पुदीना आप यकीन माने ऐसी अच्छी खुशबू आ रही है ना,
बस ये अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम। ये हमारा दम हो गया, ठीक है। हो सका तो मैं इसकी रेसिपी, जब मैं इसको दम लगा तो निकालूंगी तो भी मैं आपको इसकी वो एक पिक्चर डाल दूंगी इसके अंदर, ठीक है। नहीं डाल सकी तो सॉरी। ये देखिए, मगर आप यकीन जाने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके ये वेजिटेबल पुलाव, ठीक है। इजाज़त दीजिए सना को, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।